दर्शकों नमस्कार, सटियाचल में आप सभी का स्वागत है। आज की हलचलों के साथ मैं आपके साथ हूं धर्मेंद्र पंच। आइए सबसे पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगरपालिका परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पॉलिथीन के प्रयोग को रोकने के लिए आज आयोजित किया गया 5 मेगा ब्लॉक रन का। इस मौके पर गणमान्य नागरिकों, छात्र छात्राओं, नगरपालिका अधिकारियों और कर्मचारियों के अमले ने जन जागरण के लिए शहर में निकाली रैली। नगरपालिका सीओ ने जहां रैली के माध्यम से पॉलिथीन के उपयोग पर शहर में प्रतिबंध लगाने के लिए दिखाई प्रतिबद्धता, वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने प्रदूषण बोर्ड की छापेमारी कार्रवाई में दुकानदारों को फोन पर शह देकर पॉलिथीन के प्रतिबंध की मुहिम पर फेरा पानी। छापेमार दल कार्रवाई के बगैर लौटा वापस। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में पॉलिथीन के उपयोग पर छापेमारी कार्रवाई पर दुकानदारों ने पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई पर जताया विरोध। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी ने पॉलिथीन के उपयोग को रोकने पर नगरपालिका परिषद की बताई नैतिक जिम्मेदारी। चिढ़ार चंदेल समाज ने शोभा यात्रा निकालकर मनाया मां नर्मदा जयंती महोत्सव। आतंकवाद के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने किया विशाल संकल्प प्रदर्शन, शहीदों को हनुमान चौराहे पर दी श्रद्धांजलि। युवा शक्ति और गणमान्य नागरिकों ने हनुमान चौराहे पर वीर शहीदों के प्रति अर्पित की श्रद्धांजलि और सरकार से कश्मीर से धारा 370 वापस देने की मांग। रावगढ़ में अल्पसंख्यक मोर्चे ने कल रात कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज दोपहर को गुना में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंक कर आतंकवाद की इस घटना पर जताई नाराजगी। साई संस्था के युवाओं ने वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के प्रति व्यक्त की श्रद्धांजलि। वृद्धों को फल आदि का भी किया वितरण। आरोह में प्रजापति समाज ने आज धूमधाम से मनाई यादव मां की जयंती। चल समारोह निकालकर और लहकी खेलकर समाजजनों ने एकता का किया प्रदर्शन। फतेहगढ़ क्षेत्र में दबंगों ने पानी को रोककर ग्रामीणों को किया परेशान। ग्रामीणों की फसल सूखने की कगार पर दर्जन भर गांव के किसानों ने आज गुना कलेक्ट्रेट का किया घेराव और प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। साथ ही किसानों ने दी चेतावनी, यदि पानी नहीं छोड़ा तो ग्रामीण करेंगे उग्र आंदोलन। संजय स्टेडियम पर खेले गए मैच में आज साई क्रिकेट अकादमी गुना ने रावगढ़ को 40 रनों से हराकर जीता फाइनल मैच। बादल सिंह ने बनाए शानदार 70 रन। कुशवा समाज द्वारा आज विवाह योग्य युवक एवं युवतियों के लिए आयोजित किया गया परिचय मेला। आयोजन के दौरान पुलवामा के शहीदों को भी दी गई श्रद्धांजलि। संजय स्टेडियम पर भी विभिन्न संगठनों और खिलाड़ियों ने आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर इस आतंकवादी घटना के प्रति जताया जबरदस्त आक्रोश। शहर में स्वच्छता मुहिम को गति देने के लिए क्लीन गुना ग्रीन गुना के उद्देश्य के साथ और प्रदेश भर में स्वच्छता मुहिम को बढ़ावा देने के लिए आज प्रदेश भर में जिले भर में आयोजित की गई 5 के लिए फ्लैग रन। इस मौके पर आज मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगरपालिका परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस रैली के दौरान सभी के हाथों में तख्तियां थी, बैनर थे और सभी लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे थे कि हमें पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में पॉलिथीन का निषेध किया जाए। इसी बात को लेकर ये रैली आज हनुमान चौराहे से निकली, नगरपालिका परिषद के सामने से होती हुई ये रैली निकली और शास्त्री पार्क पर जाकर संपन्न हुई। कार्यक्रम रखा गया है आज का, ये कार्यक्रम क्लीन गुना ग्रीन गुना के सपने को सजाने के लिए मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगरपालिका के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया है। इसमें हमने सभी समाज सेवी संगठन और छात्र छात्राएं
कार्यालय नगर पालिका कार्यालय के कर्मचारी अधिकारीगण एवं आम नागरिकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें आप स्वयं भी देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। आज हमने यहाँ से ये संकल्प लिया है कि हम पॉलिथीन का किसी भी माइक्रोन की हो बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। हम अपने घरों से अपने कपड़े के थैला लेकर मार्केट जाएंगे और हम साथ में जो लोग भी इसका उपयोग करेंगे उसको समझाएंगे, रोकेंगे और अपने घर के या अपने आसपास अपने मोहल्ले में सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी हम कोई कचरा इकट्ठा नहीं होने देंगे। मेरी आम नागरिकों से गुनावासियों से यही अपील है कि हम गुना को अपने नंबर एक पर लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इस मौके पर नगर पालिका सीएमओ संजीव श्रीवास्तव ने पॉलिथीन के प्रयोग को लेकर कहा कि हम कृत संकल्पित है कि हम शहर में स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिथीन के उपयोग पर पूरी तरह से नजर रखेंगे और इसका निषेध करेंगे। आज इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगरपालिका परिषद के संयुक्त तत्वावधान में छापेमारी कार्रवाई की जानी थी, जिसे आज छापेमारी कार्रवाई के दौरान भी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वापस बैरंग लौटना पड़ा। असल में हुआ यह कि जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जेके राजौरिया अपने विभिन्न साथियों के साथ छापेमारी कार्रवाई कर रहे थे, तब उनकी टीम की इस कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया। दुकानदारों के विरोध का कारण यह था कि उनका कहना यह था कि उन्हें इस पूरी मुहिम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और छापेमारी कार्रवाई की जानकारी पहले से लिखित में नहीं आई है, इसलिए वे उनके किसी भी कार्रवाई का विरोध करते हैं। ऐसे में नगरपालिका अध्यक्ष महोदय को भी फोन लगाया गया और जब नगरपालिका अध्यक्ष से बात दुकानदारों की हो गई, उसके पश्चात दुकानदारों ने अपनी पॉलिथीन की जब्ती होने ही नहीं दी और आखिरकार छापेमार दल को बैरंग वापस लौटना पड़ा। ये कार्रवाई लगभग 2 से 3 दुकानों पर की गई थी, लेकिन जब दुकानदारों ने अपना विरोध तेजी से दिखाया तो छापेमार दल वापस लौट गया। और जब हमने इस पूरी कार्रवाई के संदर्भ में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी से बातचीत की, तो उनका कहना यह था कि हम सिर्फ एक सहयोग के लिए नगरपालिका परिषद के साथ आए हैं, लेकिन पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए नैतिक जिम्मेदारी नगरपालिका परिषद की है, लेकिन फिलहाल अभी इस कार्रवाई का हम कुछ नहीं कर सकते। श्याम डेरी हर रोड होना निकल वहाँ कर्मचारी अंदर जाइए आप क्या अंदर जा तरफ निकल इतनी तो बननी तो होंगी नहीं दुकान में। आदमी एक पन्नी में रख ले बात है अभी करना है आपके लिए तो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 2018 से पेड़ लगा हुआ है और उससे हम पिछले 2 साल पहले से बाकायदा पेम्पलेट बांटते आए हैं, पहले बांटते आए हैं, कईयों बार नगर पालिका ने मेरी बात समझो, रैलियां निकाली है, भाई साहब से बात कर लेता हूँ, अभी 2 मिनट कर लेता हूँ, अभी हम खत्म कर ले उसके बाद नहीं कहेंगे। मैं आपकी भाई साहब बात कौन से भाई कभी अभी देखो आप
तो आपने भाप फैक्ट्री क्या बंद नहीं करवा रहे? अपने यहाँ की सब फैक्ट्री बंद है। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? दिल्ली गुजरात से आ रही है। तो वहाँ भी करवाओ, ट्रांसपोर्ट बंद करवाना जी आए ना। तो साहब ये बताओ, मैं मेरे जिले में काम करो तो आपकी जिम्मेदारी आप ना ले। नहीं हमारी जिम्मेदारी, तुम आओ सामान ले, तुम रखते हो हमारे सामान। अरे तुम रहन दो और क्या, भेज रहे उनसे कार्रवाई करो। भेज रहे उनको कोई कार्रवाई है नहीं, उनसे तो पैसे लेके काम चलाते हैं आप। पोलिसन हमारा फैक्ट्री वाले रिश्वत ले लेते हो आप, पैसे ले लेते हो। अरे भैया कोई बनाते नहीं खरीदोगे ना लेना। अरे तो आपको भी, आप सबकी जिम्मेदारी परस्पर आपकी है, हमारी भी है और उनकी भी है। अरे भाई साहब इन्फॉर्मेशन एक बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। अपन भाई साहब पास चलते हैं, 15 मिनट बाद पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। आपको रोका भी गया, ये क्या है पूरा मामला? सुबह हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 5K मेगा प्लॉग रन प्रोग्राम सुबह स्टार्ट किया था, शास्त्री मार्केट से चालू प्रारंभ किया था और नगर पालिका परिषद पर समापन किया था। इसमें शहर गुना शहर के स्वच्छ रखने के लिए क्लीन गुना ग्रीन गुना के उद्देश्य से ये प्रोग्राम किया था। ये प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले में आज ही के दिन 17/2/19 को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ संपन्न हुआ। तो अभी आपने जो पॉलिथिन उसी के तहत समापन के समय हमने नगर पालिका अधिकारी से कहा था कि हम लोग इसमें बाजार में पॉलिथिन छापामार कार्रवाई भी करेंगे। तो बीच बीच में हम लोग पेम्पलेट भी बांट रहते हैं पॉलिथिन को बंद करने के लिए, कपड़े के थैले का भी वितरण कई बार किया हुआ है। उसी के तारतम्य में आज बाजार में छापामार कार्रवाई 11 बजे से स्टार्ट करना था, 11:15 बजे चालू किया। आपको रोका भी गया? तो दो दुकान पर छापेमार का भी किया, दोनों ने ही उसका विरोध किया और उनका ये कहना था कि ये पॉलिथिन बंद करने के लिए आप लोगों ने हमारे पास कोई निर्देश नहीं दिए हैं, जबकि 24 मई 2018 को शासन के द्वारा बिल किया गया है। तो अभी आपसे बात करवाई गई किसी अधिकारी की? मुख्य नगर पालिका अधिकारी से नहीं, मेरे को अध्यक्ष महोदय राजेंद्र सलूजा जी हैं, उनसे बात करने के लिए कहा था, तो उसको मैंने उनसे बात करने के लिए असमर्थ था, क्योंकि ये शासन का काम है, उनको यदि बात करना है तो वो शासन से बात। तो अब रोक दिया गया है ये? अब ये नगर पालिका की टीम से मैं बात करता हूँ, यदि ये निरंतर इसको रखेंगे तो मैं साथ में चला जाऊँगा, और यदि ये मना करेंगे तो फिर इसको प्रोग्राम को विराम रखेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है बाजार में छापेमार कार्रवाई करने की, साथ में इनके ऊपर केस लगाने की, इनके ऊपर जुर्माना लगाने की। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक मॉनिटरिंग एजेंसी है, वो इनके साथ में जाकर के पॉलीथिन का मापन कर सकती है। आजकल शासन ने वो मापन भी टोटल बंद कर दिया है पॉलीथिन का, न तो कोई अमानक है ना अमानक है, पॉलीथिन टोटल कैरी बैग बैन है। आपका नाम? जेके राजौरिया, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जूनियर साइंटिस्ट। आतंकवाद के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान चौराहे पर विशाल संकल्प प्रदर्शन किया और इस मौके पर उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 42 जवानों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। साथ ही इस मौके पर कश्मीर से धारा 370 हटाने की भी मांग की।
तो हमें ये भी संकल्प करना है कि समाज में सबसे ऐसे जैसे को भी बाहर निकालना है। हनुमान चौराहे पर ही युवा शक्ति और गणमान्य नागरिकों ने मिलकर भी आज पुलवामा में शहीद हुए सभी सीआरपीएफ के जवानों के प्रति श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और इस मौके पर इन सभी युवा शक्ति के सदस्यों ने गणमान्य नागरिकों के साथ मिलकर धारा 370 को कश्मीर से तुरंत हटाने की मांग की। आज हम सभी युवा वर्ग युवा शक्ति के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है 14 फरवरी जो कि एक हमारे भारत देश में विशेष दिन होता है, उसी दिन आतंकवादियों ने जो हमारे भारत देश में जो घटना हुई, आतंकवादी ने हमारे भारत देश के वीर जवानों पर जो कायरतापूर्वक हमला किया, उसके विरोध में आज हमने श्रद्धांजलि उनको देने का विचार बनाया, उनको सम्मान देने का विचार बनाया, जिसमें हम सभी युवा लोग आए। इन सभी युवाओं का धन्यवाद जो देश के लिए देश हित के लिए सोचते हैं। और हम मोदी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वहाँ जो आज कश्मीर के हालात पैदा हुए हैं 370 धारा ख़त्म होना चाहिए और वहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं उनको किसी अच्छी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर 15 दिन या 1 महीने रखकर उस जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादियों के जो नेस्त नाबूद पल रहे हैं और हैं उनके जो मुखबिर उनको नष्ट किया जाए और पूरी तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद समाप्त किया जाए। यही हम लोग निवेदन कर रहे हैं मोदी सरकार से, युवा वर्ग के माध्यम से। और आप लोग भी इस दुखद घड़ी में भारत देश के साथ रहें, यही आप सबसे निवेदन है। साई संस्था ने भी आज वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धों के साथ पुलवामा में शहीद हुए सभी वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की और वृद्धों ने भी इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। इस मौके पर वृद्धों ने और सभी सदस्यों ने सरकार से अपील की कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हमारे शहीद भाई जो 14 फरवरी को शहीद हुए जवान, उनके प्रति हमने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करी, 2 मिनट का मौन रखा और यहाँ पे जितने भी वृद्ध हैं और सब ने बहुत दुख जताया और वे सब चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ मिले। फिर फल बांटे सारे वृद्धों में। किस संस्था से हैं आप? हम यहीं वृद्धाश्रम से हैं, साई संस्था हमारा एनजीओ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव है। पूरा नाम? ध्रुवराज सिंह। राहुगढ़ में कल अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा शाम को एक कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विभिन्न नागरिकों ने भी हिस्सा लिया और सभी ने आतंकवाद की इस घटना की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की। गुना में भी आज हनुमान चौराहे पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका और साथ ही पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सरकार से मांग की। आज शहर में चंदेल चिनार समाज द्वारा मां नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया गया। इस तारतम्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें पूरे उत्साह के साथ चंदेल चिनार समाज के लोगों ने भाग लिया। आगे आगे जहां युवा डीजे की धुनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे, वहीं पीछे तोप की गाड़ी के माध्यम से पुष्प वृष्टि करती हुई एक गाड़ी चल रही थी और अंत में मां नर्मदा की तस्वीर के साथ एक रथ चल रहा था। कुल मिलाकर इस पूरी जयंती महोत्सव के तारतम्य में पूरे उत्साह और उमंग के साथ चिनार चंदेल समाज के लोगों ने भाग लिया और शहर में प्रभाव न फैलाई। आरोन में प्रजापति समाज ने आज धूमधाम से मां
यादें की जयंती मनाई। इस मौके पर एक चल समारोह निकाला गया। इस चल समारोह में जहां आगे डीजे की धुनों पर युवा चल रहे थे, वहीं लहंगी खेलकर भी सभी समाजजन पूरे उत्साह के साथ इस जयंती को स्मरणीय बना रहे थे। हमारे आरोन के सहयोगी मिथुन शर्मा ने हमें ये जानकारी भेजी कि बड़े उत्साह और उमंग के साथ प्रजापति समाज ने आज माँ यादें की ये जयंती मनाई। फतेहगढ़ क्षेत्र के लगभग एक दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों ने आज गुना कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन किया। इन्होंने कलेक्टर बंगले का भी घेराव किया और इस मौके पर इनकी मांग ये थी कि फतेहगढ़ क्षेत्र में कुछ दबंगों द्वारा उनके खेतों में जा रहे पानी को रोक दिया गया है, जिससे उनकी फसलें सूखने की कगार पर है। ग्रामीणों के अनुसार ये पानी 8 दिन पहले फसलों को लग जाना चाहिए था, जिसमें धनिया की फसल भी है, चने की फसल भी है, गेहूं की फसल भी है, लेकिन पानी रोक दिए जाने की वजह से वे परेशान हैं, उनकी फसल सूखने की कगार पर है। ग्रामीणों का यहां तक भी कहना है उनके लिए कि उन्होंने पानी के लिए लगातार 8 दिनों से विभिन्न माध्यमों से वे सभी जनप्रतिनिधियों को फोन कर रहे हैं। उनका कहना यह था, उन्होंने मंत्री महोदय से भी बात की थी और मंत्री महोदय ने 2 घंटे में पानी चलवाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अब तक उनकी किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। इस मामले में आज जब ये कलेक्ट्रेट बंगले पहुंचे तो वहां पर प्रशासन की तरफ से तहसीलदार महोदय ने उनका ज्ञापन लिया और ज्ञापन लेने के पश्चात शीघ्र उनकी समस्या के निराकरण का उन्होंने आश्वासन भी दिया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट में घेराव करने आए इन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो सभी गाँव के जो किसान है वे किसान उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कहां पानी कहां नहीं आ रहा, किशनपुरा कुंगला के रे रामनगर टकवा दिया अफगान के हैं, तो क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? ऊपर वाले जाने नहीं दे रहे, दो दो तीन तीन बार खोल रहे, ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, कोई कारण वगैरह? कोई कारण नहीं था, अब क्या बोलते, क्या कारण है? प्रशासन पे जाता है नहीं हुआ था, अभी क्या बोला, अभी जो तहसीलदार साहब आए थे बोल रहे हैं करेंगे करेंगे व्यवस्था व्यवस्था, 8 रोज हो गए, 2-4 दिन पीछे कहने लगेंगे, पानी नहीं है, पानी नहीं लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलाराम पटेल भूमरा केड़ी। अच्छा बताएं आप, जो नहर के जो परेशानी आ रही है किसानों को, कितने गांव के किसानों को परेशानी आ रही है, पानी कब से नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ रहा है? पैसे पानी हमारा जो 8 दिन पहले लग जाना था, हाँ, और अभी तक पानी आया नहीं है। क्यों नहीं आया, पानी ना आने की वजह क्या? ऊपर वालों ने व्यवस्था खराब कर दी। ऊपर वाले कौन? खेतों में करके सो जाते हैं, पार्वती में पानी जा रहा है। अच्छा, मतलब किसान ही पानी को खोलकर छोड़ देते हैं, उसको वेस्ट जा रहा है। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है, की कोई चीज नहीं है। तो आपने इस मामले की शिकायत की है? शिकायत आज 181 पे भी करी है, मंत्री जी के पास भी पहुँचे हैं, मंत्री जी ने कहा था 2 घंटे में व्यवस्था बना दूंगा। कौन से मंत्री जी? अच्छा, किन मंत्रियों से बात हुई थी आपकी? जय संजू भैया, बमोरी विधायक, बमोरी मंत्री। तो क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा था 2 घंटे में व्यवस्था बना दूंगा। कब बोला था ये? 14 तारीख को। 14 तारीख को, और आज कौन सी तारीख? आज 17 है।
16 है अभी तक आपके यहाँ नहर में पानी नहीं कुछ नहीं 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 है। तो दोबारा आपने संपर्क किया है? नहीं किया है। लगा रहा है फोन लगा रहा है भैया जी को, दो घंटे में बात होगी, तीन घंटे में बात होगी, उनके उससे बात नहीं कराते उनसे और फोन उठाते नहीं है। अच्छा, तो अब किसान क्या मन बना रहे हैं, क्या करेंगे? क्या मन बना रहे हैं बेटे, फसल तो हमारी सूखी रही है, लगत लगा चुकी है, उसमें नहीं ईटा 2 क्विंटल बीघा भी यदि ये पानी नहीं फिरे तो। अच्छा, अभी पानी किस फसल में देना है आपको? गेहूं में, धनिया में, धनिया में, लेसन में, तीनों फसल हमारी पानी में भाई साहब, गेहूं में। तो इस नहर के संबंध में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी आपकी नहीं सुन रहे हैं? वो तो सो रहे हैं, बंगलों में सो रहे हैं, घर काम कर नहीं है। अच्छा, देखने आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आते, कोई नहीं आते यहाँ पर, कोई भी नहीं आता। हमारी मंत्री जी चर्चा हुई थी, सब हमारे यहाँ नहर का पानी नहीं आ रहा है और फसलें सब नष्ट होने को जा रही है। कौन कौन से गांव में जो नहर का पानी नहीं पहुंचा है? रामनगर, किशनपुरा, अजरोड़ा, भूमरा खेड़ी, चकपारसी खेड़ा, कौन, बनियानी, पाकर, हमीरपुर, पूरे गांव वंचित है नहर से। अच्छा, मंत्री महोदय का क्या कहना? मंत्री महोदय का आश्वासन था 2 घंटे में आपकी व्यवस्था करवा दूंगा, जबकि अब 24 घंटे होने को आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमारी व्यवस्था फसलें नष्ट हो गई तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर और गुना में धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, क्यों कुमारी की स्थिति पे आ जाएगा, ये लास्ट पानी है। सर, आपको नंबर थोड़ा माइनर दोनों की बंदी हट जाए तो पानी यहाँ तक आ सकता है, और एक डोंगर खेड़ी बंजारी पूरा, 4 माइनर पानी को नष्ट कर रही है, नदियों में जा रहा है और यहाँ के किसान प्यासन मर रहे हैं। किस प्रकार जा रहा है नदियों में और बंदी तोड़ने नहीं देते हैं कोई भी। कौन है आपने? सभी पैसे लिए, पैसे लेके काम करेंगे। किसने बोला? ये बोला है जैसी जेल और तीखी जेल। ये कौन है? ये सब इंजीनियर है, सब इंजीनियर, और इनने पैसे दिए, भूमड़खेड़ी के दिए, किशनपुरा के दिए, किशनपुरा को जहाँ तक पैसे देते हैं वहाँ तक पानी फिरा देते हैं, इसके बाद बंद है। अच्छा, अपने बंगलों में सो रहा है वो, देखने तो यहाँ आती नहीं। पैसे किस बात के लेते हैं? पैसे तो ये लेबर चार्ज के लेते हैं वो, पैसे ऊपर से आते हैं सब, मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ पहले, पैसे सब आते हैं, है ये पैसे लेके काम करते हैं। जसड़ी में भी आज विभिन्न खेल संगठनों और खिलाड़ियों के साथ गणमान्य नागरिकों ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 42 जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और सभी खिलाड़ियों और सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर अपने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। में हमारे जो 42 जवान शहीद हुए हैं, आज संजय स्टेडियम के सभी खेल संगठनों ने, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, सभी संघों ने मिलकर आज यहाँ पे एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स भी जिसमें शामिल है, सभी गेमों ने मिलकर यहाँ पे संघों ने मिलकर आज श्रद्धांजलि व्याप्त करी है। और इसमें हमारे उपस्थित आज कॉलेज के प्रोफेसर अनिल बेलसरे जी, गोविंद सेन जी, दुर्गेश सक्सेना जी, हमारे जूडो से गौरव रहीस, फुटबॉल से, सभी संघों ने यहाँ पे उपस्थित होके आज जो हमारे भारत के अंदर एक जो आतंकवाद फैल रहा है और उसे ख़त्म करने की जो भारत सरकार और सब में एक रोष है कि ये टेररिस्ट एक आतंकवाद जो ख़त्म होना चाहिए, आज उसके प्रति एक रोष व्यक्त करा है संजय स्टेडियम के सभी खेल संघों ने। संजय स्टेडियम पर साई क्रिकेट अकादमी और राहुगढ़ के बीच मैत्री मैच खेला गया। मैत्री मैचों की 3 मैचों की श्रृंखला का आज ये फाइनल मैच था, जिसमें पहले खेलते हुए साई क्रिकेट अकादमी ने 170 रनों का लक्ष्य राहुगढ़ को दिया। साई क्रिकेट अकादमी की तरफ से शानदार प्रदर्शन करते हुए बादल सिंह ने 70 रन बनाए। इसके जवाब में खेलते हुए राहुगढ़ की टीम 130 रनों पर ही ढेर हो गई और इस प्रकार से साई क्रिकेट अकादमी गदा ने 40 रनों से ये मैच जीत लिया। इस मैच के दौरान विभिन्न खेल संगठन और विभिन्न विद्यालयों से जुड़ी हुई व्यक्तित्व, इस मौके पर विभिन्न अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर आज गुना में भी उनकी पूजा अर्चना कर ओझा समाज ने उनकी जयंती मनाई। इस मौके पर बीनागंज, रावगढ़ क्षेत्र तथा चाचोड़ा क्षेत्र में भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिसमें जिला स्तर से पदाधिकारी पहुंचे हैं। अच्छी बताएं, आज पूजा अर्चना की है,
आज भगवान विश्व विश्वकर्मा भगवान की आज जयंती है, जयंती के अवसर पर गुना जिले में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करी है। आज बीनगर चाचड़ों विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो दर्शकों आज की हलचलों में अब बस इतना ही, कल फिर वही हलचलों के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र बज को दीजिए अनुमति। आइए अब आपके लिए चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस बज की दुनिया में, हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवाहा, कैमरामैन देवेंद्र और पवन कुशवाहा के साथ।